moving ahead at a great speed in improving this artificial intelligence software. So it's very exciting. And we sort of see it as the mother of all AI projects. Where there were robots every place, they were running farms, they were running Apple, they were running Berkshire Hathaway. What we're getting now would be turned out by robots. The advent of digital superintelligence is one which is symbiotic with humanity. AI is probably the most important thing humanity has ever worked on. Now, I think of it as something more profound than electricity or fire. And anytime you work with technology, you need to learn to harness the benefits and while minimizing the downsides. एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन हम लोगों की लाइफ में आएगा AI की वजह से. हम चाहें तो इस रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकते हैं. AI ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे इंटेलिजेंट लोग काम करते हैं, चाहे साइंटिस्ट्स हों चाहे ऋषि मुनि हों. जब कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है तकलीफ़ होती है, दर्द भी होता है, कुछ टाइम के बाद तकलीफ़ और दर्द तो चला जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम एज इट इज़ रह जाती है, वो रिपीट होती है प्रॉब्लम, चाहे वो किसी तरह की बीमारी हो, चाहे कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हो. जिन लोगों ने भी पहली बार लेंसेज बनाए होंगे, क्यों हमारे और आपके मन में तो कभी नहीं आया कि हम लोग खून के अंदर झांकने की कोशिश करें? किसी ने बड़े इंतज़ाम किए कि हमको खून के अंदर झांकना है, उनको समझना था ब्लड. तो जो साइंटिस्ट्स होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो उन प्रॉब्लम्स को स्टडी करना चाहते हैं. एक तो ये होता है कि हम प्रॉब्लम में हैं, और चूंकि हम प्रॉब्लम में हैं इसलिए हमारा माइंड ऑटोमेटिकली कंप्लेन कर रहा है. लेकिन दूसरा होता है, एक आई है वो प्रॉब्लम भी नहीं है, एक घटना हुई है. जैसे टाइटैनिक जब डूबा, तब उसके बाद पहली बार लोगों ने बहुत सी शिप्स के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन किया. डूबने के बाद लोगों ने सीखा उससे. हर एक इंसिडेंस अपने आप में पूरी किताब है, ढेर सारे इंसाइट्स हैं, लेकिन उसको सुनने के लिए अपने अंदर के इमोशंस को बदलना पड़ेगा. हमारे लिए प्रॉब्लम एक घिनौनी चीज़ है, बदबूदार चीज़ है, उससे हम बचने की कोशिश करते हैं. AI अब ऐसा नहीं करेगी. अभी रिसेंटली हम लोग कहीं पढ़ रहे थे आर्टिकल, AI की स्पीड की वजह से नए टाइप के माइक्रोस्कोप्स बन रहे हैं. AI खुद डिज़ाइन कर रहा है ऐसे माइक्रोस्कोप्स जो रिजल्ट्स जो पहले हमारे महीने महीने पर आते थे वो कुछ सेकंड्स में आ जाएंगे. AI हर एक घटना को, मान लीजिए एक कार है उसको AI चला रही है, और वो बाकी सारी गाड़ियों से कनेक्टेड है. कहीं पर किसी जगह पर इंग्लैंड में एक एक्सीडेंट हो गया AI के कार में, और वो इंसाइट, वो इंसिडेंस उस AI में आएगा, और उस AI से सारे AIs में चला जाएगा. सारे AIs उस तरह की इंसिडेंसेस को पहले से पहचान जाएंगे और एक्सीडेंट होने से रोकेंगे. हम और आप क्यों नहीं कर सकते उसको? क्योंकि हम इंसिडेंसेस को देखना नहीं चाहते, याद भी नहीं रखना चाहते. लोगों को बेइज्जती लगती है अगर अपने क्लास के फेलियर के बारे में बात करो तो बेइज्जती लगती है. अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, जो एक्स जिसको हम बोलते हैं, अगर ब्रेकअप हुआ है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते. वो सारी की सारी चीज़ें हमारी काली बातें हैं, उसको छुपा के रखो, हम शेयर भी नहीं करना चाहते. बट जो इंटेलिजेंट होगा वो AI को देख करके AI की तरह सोचेगा. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे और AI के बीच में डिफरेंस ये होगा कि हमारी IQ ख़त्म होती जाएगी और AI हमसे ज़्यादा समझदार होती जाएगी. अपने मिस्टेक्स को बोलने दीजिए, उसको सुनिए. जैसे छोटा बच्चा बोलता है उसकी बातें सुनते हैं, हम ध्यान से सुनते हैं. ये सोचिए कि बहुत इम्पॉर्टेंट बंदा है आपकी लाइफ में, कोई बहुत ज़रूरी मैसेज आ रहा है आपकी लाइफ में. आपकी प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट जस्ट प्रॉब्लम्स, दे आर डीप इंसाइट्स. डीप नॉलेज भी नहीं है, नॉलेज तो खाली शब्द होते हैं. इंसाइट्स मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपको हेल्प करती है डिसाइड करने में अब आगे क्या करना है. और बहुत सोचना नहीं पड़ता, वो डिसीजन ऑटोमेटिक हो जाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया आप क्या कर रहे हैं.